दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीटीयू ड्राइवर जो भर्ती है, जिसका फाइनल रिजल्ट 13 जून 2024 को डिक्लेयर किया गया था, उस रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज क्यों किया गया है, क्या कारण रहे हैं, क्या खामियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, उन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स जिनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो डाउट्स क्रिएट हो रखे हैं कि सर हमारे रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स अच्छे थे, बावजूद इसके हमें ट्रेड टेस्ट में क्यों नहीं बुलाया गया, तो उसके क्या रीजंस रहे हैं। जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर हमारे रिजल्ट में जो मार्क्स हैं वो कम बताए गए हैं, मार्क्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए, तो वो अपनी ओएमआर सीट कैसे अपने घर पे मंगवा सकते हैं, उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल विस्तार से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 13 जून 2024 शाम को सीटीयू ड्राइवर भर्ती का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। उस रिजल्ट के अंदर कुछ क्लेरिकल या टाइपोग्राफिक एरर होने की वजह से आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स क्रिएट हो गए थे, क्योंकि जैसे ही आप अपना रिजल्ट देख रहे थे, हालांकि वो लिस्ट यहाँ से दोनों उड़ा दी गई हैं यानी हटा दी गई हैं वेबसाइट से, जो रिजल्ट पहले आया था उसको हटा दिया गया है, अभी रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया है। तो इस प्रकार की ही लिस्ट थी जिसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके मार्क्स बताए गए थे, यहाँ पे जो अब्सेंट था वो अब्सेंट दिखाया गया था, जिसके मार्क्स अच्छे थे वो मार्क्स यहाँ पे अच्छे बताए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स कम थे लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बता दिया गया, यानी जो कट ऑफ मार्क्स आपके रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ रही है, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके शो कर रखे थे इस रिजल्ट के अंदर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना रिजल्ट देखा तो उसमें मार्क्स आपके 64 हैं, कट ऑफ आपकी लगी है 58 पे, तो भाई डाउट तो होना ऑब्वियस ही बात है, लाजमी है। तो उनको डाउट हुआ कि सर हमारे मार्क्स तो ज़्यादा हैं लेकिन हमें ट्रेड टेस्ट में नहीं बुलाया गया, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है वो तो 58 पे लगी हुई है, मार्क्स हमारे ज़्यादा हैं तो ट्रेड टेस्ट हमारा हुआ ही नहीं। भाई होगा कैसे, क्योंकि रिजल्ट के अंदर तो खामियां थी, कमियां थी, एरर थे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कुछ और लगने थे और यहाँ पे जो कह सकते हैं क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से कुछ और चढ़ा दिए गए। अब उसकी वजह से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके मेरे पास कॉल भी आए, मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया भी था। मैंने आपको 2-3 अलग अलग रास्ते बताए थे कि भाई इन रास्तों पे चल करके आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। मैंने एक मेल का तरीका आपको बताया था, एक डायरेक्टली डिपार्टमेंट में जाने का तरीका आपको बताया था, एक आरटीआई का तरीका बताया था, 2-3 तरीके थे, आप लोगों ने उनको फॉलो भी किया और शायद कहीं ना कहीं उस वजह से डिपार्टमेंट में इस प्रकार की मतलब जो बात है वो चली कि भाई रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो एरर है, हमें रीचेक करना चाहिए। रीचेक किया तो ऑब्वियस ही बात है कमियां तो थी ना, एक बच्चा थोड़ी ना आवाज़ उठा रहा था, बहुत सारे बच्चे आवाज़ उठा रहे थे उस चीज़ की। तो इन्होंने देखो यहाँ पे रीजन भी दिया है, दिस इज इन सुपर सेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन 13th of June 2024, यानी 13 जून 2024 को हमने जो फाइनल रिजल्ट अपलोड किया था वेबसाइट पे, द सेम इज बीइंग रिवाइज्ड ड्यू टू क्लेरिकल या टाइपोग्राफिक एरर इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग स्किल टेस्ट। इन्होंने कह रखा है कि कुछ टाइपोग्राफिक या क्लेरिकल एरर होने की वजह से फाइनल रिजल्ट के अंदर कुछ कैंडिडेट्स को ड्राइविंग स्किल टेस्ट के अंदर नहीं बुलाया गया, मतलब ड्राइविंग स्किल टेस्ट का जो आपका लिस्ट आई थी उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ हमें एरर वहां पे देखने को मिला, उसकी वजह से हम हमारा जो रिजल्ट है वो रिवाइज कर रहे हैं, हैंस द रिवाइज्ड फाइनल गैजेट एंड मेरिट लिस्ट आर बीइंग अपलोडेड एफ्रेश। ये यहाँ पे दे दिया गया है रिवाइज जो रिजल्ट है और ये मेरिट लिस्ट है, आप इसमें अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं क्लेरिकल जो मिस्टेक हुई है वो आपके मार्क्स को लेकर के हुई है, जिसकी वजह से आपका जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, फाइनल जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको कमी लग रही थी कि हमारा ट्रेड टेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके मार्क्स एक्चुअल में थे ही कम, है ना, और आप रिजल्ट में देख रहे हैं हमारे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं। अब कई कैंडिडेट्स कहेंगे नहीं सच में ही मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, इन्होंने कम चढ़ा रखे हैं, तो उसका इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है। अब वो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यह है कि इन्होंने कहा है कि आप अपनी ओएमआर सीट निकलवा सकते हैं, यानी फोटोकॉपी, ओएमआर कॉपी जो आपकी है उसकी फोटोकॉपी आप निकलवा सकते हैं। कैसे, तो इन्होंने बताया द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ देयर ओएमआर सीट अलोंग विद आंसर की मे अप्लाई फॉर द सेम अलोंग विद रिक्वेस्ट फी ऑफ ₹250।
₹250 की फीस लगा करके आप 24 जुलाई 2024 तक आप अपनी OMR सीट की फोटोकॉपी विद आंसर की मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ₹250 की फीस पे करनी है। कैसे पे करेंगे, तो आपको किसके फेवर में एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया है, चीफ कोऑर्डिनेटर UIAMS एग्जाम्स, इसके फेवर में आपको एक ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है, ठीक है। और कहाँ पे भेज देना है, तो अप्लीकेशन एक लगा करके जिसमें आपके डिटेल्स आपको फिल करना है, भाई मेरा रोल नंबर ये था, मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा नेम और एड्रेस ये है और मुझे अपनी OMR सीट की कॉपी चाहिए। एक अप्लीकेशन तैयार करेंगे, उस अप्लीकेशन के साथ में ये ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट लगाएंगे। और वो अप्लीकेशन कहाँ पे पोस्ट करना है आपको, ये देखो लिख रखा है, द अप्लीकेशन शुड बी सेंड टू कहाँ पे, द एड्रेस क्या है, द चीफ कोऑर्डिनेटर UIAMS एग्जाम विंग, अरुणा रंजीत चंद्र हॉल, नियर पोस्ट ऑफिस, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, चंडीगढ़। ये यहाँ पे आपको पिन कोड बताया गया है 160014, ये पूरा का पूरा एड्रेस है, इस पे आपको आपकी अप्लीकेशन भेज देनी है। क्या बताया मैंने, एक अप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपकी पोस्ट का नाम होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका नेम और एड्रेस करेक्टली उस पर अप्लीकेशन पे लिखना है, उसमें यह भी लिख देना है मुझे अपनी OMR सीट की कॉपी है वो मंगवानी है। इस प्रकार की एक अप्लीकेशन तैयार करनी है और उस अप्लीकेशन के साथ में ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट, जो आप किसके फेवर में तैयार करवाएंगे, किसी भी बैंक से करवा सकते हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर UIAMS एग्जाम्स PU, ठीक है, इसके नाम पे आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है और वो डिमांड ड्राफ्ट अपनी अप्लीकेशन के साथ में लगा करके और ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। द कैंडिडेट शुड मैंशन देयर रोल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम एंड एड्रेस करेक्टली इन द अप्लीकेशन, आपके नाम, रोल नंबर और आपकी डिटेल सही होनी चाहिए अप्लीकेशन के अंदर। द फोटोकॉपी ऑफ OMR सीट एंड आंसर की विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द कैंडिडेट्स थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है, जो आपकी फोटोकॉपी है OMR सीट की या आंसर की वो आपकी स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर पे भेज दी जाएगी, जो आप एड्रेस देंगे कि भाई मेरा एड्रेस ये है, जो करेक्टली मेंशन होना चाहिए अप्लीकेशन के अंदर। अप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड इनकम्प्लीट अप्लीकेशन विल बी स्मेरली रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। अगर मान लो अप्लीकेशन आपने गलत लिख दी, उसके अंदर एड्रेस गलत हुआ, रोल नंबर गलत हुआ, नेम गलत हुआ, तो फर्दर रेफरेंस के ऊपर आपका जो अप्लीकेशन है उसका रिजेक्शन कर दिया जाएगा। फिर ये मत बोलना मेरे ₹250 खा गए, ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोटिस के रूप में यहाँ वेबसाइट के ऊपर बताया है। तो अभी रिजल्ट चेक कर लीजिए अपना, उसके अंदर मार्क्स चेक कर लीजिए, फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप अपनी OMR सीट मंगवा सकते हैं कि भाई मेरी OMR सीट मुझे चेक करनी है, तो ₹250 लगेंगे। भाई देखो कोई भी डिपार्टमेंट है वो कोई भी चीज़ निकलवाने के लिए फी जरूर लेता है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट के कोई वर्कर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फीस तो चार्ज करेंगे। अब वो आपकी अगर OMR सीट निकाल निकाल के देंगे तो कहीं ना कहीं फ़ी तो चार्ज करेंगे ये, ठीक है। कुछ तो आपको पता भी होगा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो फॉर्म गलत होने के बाद करेक्शन फ़ी भी लेते हैं, SSC को ही देख लो, करेक्शन फ़ी लगती है उसमें, सिर्फ आप फॉर्म को ही करेक्ट करोगे खुद करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ़ी है वो पे करनी पड़ती है। यहाँ पे तो आप OMR सीट निकलवा रहे हो, ठीक है, तो आपकी OMR सीट निकलवाने के लिए ₹250 पे करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी OMR सीट आप निकलवा सकते हैं, आपके घर पे बाई स्पीड पोस्ट भेज दी जाएगी, उसके बाद आपका शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। कंडक्टर के टाइम पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी OMR सीट मंगवाई थी, मुझे नहीं लगता कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स घटे या बढ़े होंगे, जो एज इट इज़ थे वहीं की वहीं रहे थे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा सोच समझ के पैसे खर्च करना, जो श्योर है कि मेरे मार्क्स सच में ही ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी गलत दे रखे हैं इस रिजल्ट के अंदर, वहीं ₹250 की फ़ी पे करके अपनी OMR सीट मंगवाना। सभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कभी मुंह उठा करके सभी लगा दो कि भाई मेरे मार्क्स तो अपने आप बढ़ जाएंगे, ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे भाई, मैं आपको सिंपल और सोबर भाषा में बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा नाराज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट था, अपना रिजल्ट चेक कर लेना भाई, जिन कैंडिडेट्स को डाउट था कि भाई मेरे मार्क्स इस रिजल्ट के अंदर ज़्यादा दे रखे हैं तो इस रिजल्ट के अंदर शायद कम दे दिए होंगे। ये मेरिट लिस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें क्या कुछ बताया हुआ है, मेरिट लिस्ट शायद सेम ही है जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई थी, ठीक है। हो सकता है किसी का नाम यहाँ से उड़ भी गया हो, किसी का इसमें आ गया हो, तो वो आप अपना चेक कर लेना किसका आया है किसका नहीं आया है, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी
मैंने ये ढंग से पढ़ा नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट अच्छे से चेक नहीं करी है जो मेरिट लिस्ट है कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम या ज़्यादा हुए हैं नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देख के बताना क्या कुछ हुआ है इस लिस्ट के अंदर। ठीक, चलिए तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।